हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक स्टॉक लेकर आया हूं और स्टॉक तो बहुत छोटा सा स्टॉक है, बहुत बड़ा नहीं। देखिए, मात्र 61 रुपीज़ का स्टॉक है ये और मिड कैप का स्टॉक है, निफ्टी मिड कैप 50 का स्टॉक है ये, ठीक है। और काफ़ी शानदार स्टॉक है दोस्तों। अदानी जी को जानते ही हैं, जो कि इंडिया के 8वें सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं और उनको ऐसा इंडिया में कोई नहीं होगा जो उनका जानता है। उन्हीं की कंपनी है अदानी पावर लिमिटेड, उसी के विषय में आज हम लोग बात करने वाले हैं। काफ़ी अच्छी कंपनी है अदानी पावर और वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनकी कंपनी ख़राब रिटर्न दे आप लोगों को। और बड़े लोगों के साथ काम करना मतलब आप लोग को रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब जैसे आप रिलायंस के शेयर खरीद के उसमें रखते हैं डिलीवरी में लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। और विप्रो हुआ अजीम प्रेम जी का, आप उसको शेयर को खरीद कर रखिए, क्योंकि उन लोग के पास इतने सारे माइंड होते हैं कि वो उनको पैसे कैसे कमाना है उनको पता होता है, तभी तो वो टॉप 10 में हैं। तो उनके साथ काम अगर कर रहे हैं, उनके शेयर लेकर अगर आप लोग रख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके शेयर में, तो काफ़ी चांसेस हैं आपके कि काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिलेगा। क्योंकि कंपनी ग्रो करेगी तो आपके स्टॉक भी ग्रो करेंगे, तो प्रॉफिट आपको ही होगा। तो टॉप 10 में जो रिचेस्ट पर्सन हैं लोग इंडिया के, आप उनकी कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भी आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं अदानी पावर के। और कंपनी का देखिए मार्केट कैप है 23,701 करोड़ की और करंट प्राइस अभी चल रहा है 61 रुपीज़, ठीक है। आप 100 शेयर भी लेकर रखते हैं तो 6,000 रुपये लगता है, 6,000 रुपये लेकर छोड़ दीजिए अगले 4 से 5 सालों के लिए, फिर आप लोग देखिए इसके रिटर्न को। आप अभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे, फिर देखेंगे कि हमें इसने रिटर्न कितना दिया है। चार्ट पे भी लेके चलूँगा मैं आप लोग को और इसके पिछले 5 से 10 सालों का आप लोग को चार्ट दिखाऊंगा और फिर उसके बाद उसका रिटर्न दिखाऊंगा। तो देखिए, इसका 52 वीक का हाई है 68 रुपीज़ और 52 वीक लो है इसका 21 रुपये, और 52 वीक हाई के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक का बुक वैल्यू है -0.75, स्टॉक का पी यहाँ पर नहीं दिया गया है, डिविडेंड यील्ड है 0.00%, ROC इसका 9.38%, ROE है इसका -3.18%, सेल्स ग्रोथ है पिछले 3 साल में -2% की और फेस वैल्यू है 10 रुपये की। तो ये सब देख के अभी आप लोग चौंकिए मत, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगले 5 से 10 साल के लिए ये स्टॉक लेना है, ये नहीं कि आज इन्वेस्टमेंट किया और एक महीने बाद आपको रिटर्न चाहिए। तो 60 रुपये की छोटी सी कंपनी है, आप 100 शेयर लेकर रख दीजिए अगले 5 से 10 सालों के लिए और काफ़ी अच्छा रिटर्न आप लोग को इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अदानी जी की कंपनी है और गुजरात में तो इनके काफ़ी बड़ा इन्होंने अपना साम्राज्य फैला रखा है गुजरात में, ठीक है। और इसका मैक्सिमम चार्ट अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, इसने कुछ टाइम पहले हाई बनाया था, यहाँ पर देखिए 139 के अराउंड इसने हाई बनाया था, तो सॉरी 139 के पास इसने हाई बनाया था अपने, उसके बाद यहाँ से देखिए गिरते गिरते आया स्टॉक और यहाँ पर फिर इसने लो बनाया था लगभग 19 से 20 रुपये का, और अभी फिर से वापस ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हम चार्ट में देखेंगे, ठीक है। और इसका देखिए अपने सेक्टर में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, फर्स्ट नंबर पे NTPC और दूसरे नंबर पे पावर ग्रिड, तीसरे नंबर पे अदानी, फिर उसके बाद फिर अदानी ट्रांसमिशन, NHPC, टाटा पावर, टोरेंट पावर। टोरेंट पावर देखिए अच्छा स्टॉक है एक, और इससे भी बड़ी देखिए कंपनी है अदानी पावर जो कि 23,700 करोड़ की है मार्केट कैप के साथ। इसका हम क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखते हैं तो सेल्स हुई थी इसकी 2016 जून में 5,386 करोड़ का, और अभी देखिए 6,722 करोड़ की इसकी सेल्स ग्रोथ हुई है 2019 में। नेट प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो -233 करोड़ था इसका 2016 में, ये कंपनी लॉस में चल रही थी -233 करोड़, और अभी मार्च 2019 में देखिए इसका प्रॉफिट हुआ है 635 करोड़ का। उसके पहले देखिए पूरे माइनस में चलती आ रही है कंपनी और अब जाके लास्ट में इसे 635 करोड़ का मुनाफा हुआ है इस कंपनी को। इसका हम ओवरऑल अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, सेल्स हुई थी 2008 का यहाँ पर दिया नहीं गया, 2010 से दिया गया है, तो 427 करोड़ की सेल्स हुई थी इसकी, अभी देखिए 23,884 करोड़ की सेल हुई है 2019 में। अगर हम देखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट का मार्च 2008 में तो -7%, -7 करोड़ का इसका लॉस हुआ था, 7 करोड़ का लॉस हुआ था, अभी लॉस बढ़ के देखिए 984 करोड़ हो गया है। तो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारी कंपनी लॉस में ही रहे, ये जल्दी ही रिकवर करेंगे अपने कंपनी को और इनका शेयर जल्दी ही ऊपर जाएगा, ऐसी हम आशा करते हैं।
और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर हम देखते हैं पिछले 10 साल में नहीं दिया गया है, यहाँ पर पिछले 5 साल में 9% का है, पिछले 3 साल में -2% का चल रहा है इसका। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर इसका हम देखते हैं तो पिछले 10 साल में 69% का है और पिछले 5 साल में 37% का है, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखते हैं पिछले 10 साल में तो -17% का, 5 साल में -29% का, 3 साल में -68% का और लास्ट ईयर -318% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो ये रेट अभी काफ़ी सस्ता आपको मिल रहा है ये स्टॉक, तो आपको अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। ज़्यादा नहीं, मैं बोलूँगा कि अपने पूरे पैसे इन्वेस्ट कर दो इसी के ऊपर, मात्र 100 शेयर लेकर जो कि 6000 रुपये लेकर एक इन्वेस्टमेंट कर दीजिए छोटा सा, आगे चलकर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन जल्दीबाजी नहीं, ठीक है। और मार्केट भी गिरा हुआ है इसलिए ये शेयर काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं आप लोगों को, और कंपनी अच्छी है, ऐसा नहीं मैं कोई भी ख़राब कंपनी अपने चैनल पे अपलोड करता ही नहीं। आप लोग मेरी कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, कोई भी छोटा मोटा स्टॉक या लोकल कंपनी का स्टॉक मैं अपने चैनल पे अपलोड नहीं करता, सारे अच्छे स्टॉक मैं उसको चेक करता हूँ पूरी तरह से, उसको रिसर्च करने के बाद ही आप लोग के लिए वो कोई भी शेयर लेकर आता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसके स्टॉक का हम लोग देखते हैं चार्ट पर कि चार्ट पर ये क्या कह रहा है स्टॉक। देखिए दोस्तों, अपने चार्ट पर मैंने अदानी पावर का खोल लिया स्टॉक का चार्ट, और हम लोग देखते हैं इसका वन डे का कैंडल। 2017 से हम लोग अगर देख रहे हैं तो 2017 में इसका प्राइस चल रहा था यहाँ पर 35 रुपये, 2017 में चल रहा था, फिर उसके बाद ये गिर के आ गया यहाँ पर कितना रुपये, 26 रुपये का इसने लो बनाया, फिर यहाँ पर इसने हाई बनाया था लगभग 47 रुपये का, फिर यहाँ पर लो बनाया था 15 रुपये का, फिर यहाँ पर देखिए हाई बनाया था कितने का, 56 का, फिर लो बनाया था, फिर हाई, फिर लो, ऐसा कर करके मतलब ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा है। पिछले साल 2018 से ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं एक ट्रेंड लाइन खींच कर आप लोग को दिखाता हूँ कि ये स्टॉक एक अब पहले उससे पहले तो देखिए बहुत ज़्यादा ये अप डाउन कर रहा था, लेकिन अब ये स्टॉक एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। देखिए इस वाले ट्रेंड लाइन को ये स्टॉक फॉलो कर रहा है 2018 से अप्रैल, लगभग 1-1.5 साल से ये स्टॉक इसी वाली ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो अभी ये आप थोड़ा सा नीचे आएगा तब आप लोग इसमें एंट्री करिएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं क्लियर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर तो थोड़ा दिग्जैक कर रहा था स्टॉक, लेकिन यहाँ से देखिए 2018 से ये स्टॉक कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। कहाँ गई ये वाली, देखिए क्लियर है एकदम यहाँ पर दिख रहा है कि इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करके ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें जल्दी रिटर्न मिलने की संभावना नहीं है। हाँ, ये कि इन्वेस्टमेंट आप लोग इसमें लॉन्ग टाइम के लिए कर सकते हैं, लेकिन अभी ये काफ़ी हाई है, थोड़ा सा गिरता है तो 50 रुपये के आसपास या 45 के आसपास ये स्टॉक मिलेगा आप लोग को, ज़रूर मिलेगा। गिरेगा जब ये यहाँ पर ना अपने सपोर्ट पर आएगा, इस ट्रेंड लाइन को जब ये फॉलो कर रहा है तो अपने सपोर्ट पर बिल्कुल आएगा, तो आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 45 to 50 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके रिटर्न देख लेते हैं लॉन्ग टर्म में, हमें इसने इसे इस स्टॉक ने हमें कितना रिटर्न दिया है। ठीक है दोस्तों, अपने पिटारा पर मैंने अदानी पावर का चार्ट खोल लिया है जहाँ पर हम लोग रिटर्न देखते हैं किसी भी स्टॉक का। तो देखिए वन वीक में इसने रिटर्न दिया है 2% के नेगेटिव, और टू वीक का इसका रिटर्न फ्लैट है, कुछ भी नहीं है। वन मंथ में इसने रिटर्न दिया है -5% के नेगेटिव रिटर्न, और थ्री मंथ के रिटर्न देखिए 38%, काफ़ी शानदार रिटर्न है। मात्र 3 महीने के अंदर 38% का रिटर्न इसने दिया है हमें। 6 महीने के रिटर्न हम लोग देखते हैं तो 54% के, और ईयर टू डेट मतलब 1 जनवरी 2019 से लेकर अब तक इसने 20% के रिटर्न दे दिया है। एक साल का रिटर्न देखेंगे तो 105% के, मतलब आपके पैसे को मात्र एक साल में इसने डबल कर दिया है, तो कितना अच्छा रिटर्न है दोस्तों। और 3 साल में हम लोग इसके रिटर्न देखते हैं तो 127% के रिटर्न दिया है 3 साल के अंदर मात्र, और 5 साल के अंदर इसने 10% के रिटर्न दिए हैं। मतलब कि स्टॉक काफ़ी गिरा हुआ है था उसके बाद, इसलिए हमें यहाँ पर कम रिटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। और 10 साल का रिटर्न हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल है, एनए लिखा है तो नॉट अवेलेबल, इतनी पुरानी लिस्टिंग नहीं है, तो कंपनी भी नई है, और सबसे बड़े बिजनेसमैन जो टॉप 10 में आते हैं रिचेस्ट पर्सन इंडिया के, उनकी भी कंपनी है और अदानी पावर की कंपनी है, स्टॉक का नाम है अदानी पावर, तो काफ़ी शानदार कंपनी है। आप लोग इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक्स आप लोगों को ढूंढ के देता रहता हूँ हमेशा अपने वीडियो चैनल पर।
वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और अभी तक आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए दोस्तों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली फ्री इंट्राडे की कॉल्स प्लस शॉर्ट टर्म की कॉल प्रोवाइड करता हूँ बिल्कुल फ्री में, उसका कोई भी चार्जेस नहीं है। और आपको अकाउंट ओपन करवाना है दोस्तों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा का, अपस्टॉक्स का और आस्था का लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू जाकर आप अपना अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।